नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आईपीएल 2022 सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय किया। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कोलकाता की गेंदबाजों ने सीएसके की टीम को 20 ओवर में 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। कोलकाता ने 18.3 ओवर में 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया। इस मैच में हीरो कौन कौन से रहे उसके बारे में बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के हीरो साबित हुए। उन्होंने 3 साल बाद हाफ सेंचुरी लगाई और 38 गेंदों में 50 रन बनाए। इसके अलावा सीएसके कप्तान रविंद्र जडेजा भी मैच के दूसरे हीरो रहे। उन्होंने 28 गेंदों में रन 26 बनाए, लेकिन कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर डटे रहे। इस मैच में अगले हीरो अजिंक्य रहाणे रहे। उन्होंने लंबे समय के बाद T20 क्रिकेट में वापसी करी और 34 गेंदों में 44 रन बनाए और कोलकाता की जीत में अहम योगदान दिया। मैच के अगले हीरो कोलकाता के गेंदबाज उमेश यादव रहे। वो भी लंबे समय के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट में वापसी कर रहे थे। उन्होंने मात्र 4 ओवर में 20 रन दिए और 2 शुरुआती झटके दिए, जिससे सीएसके की टीम एक और लड़खड़ा गई। बात करें अगले हीरो की तो ड्वेन ब्रावो अगले हीरो रहे। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए और कोलकाता के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज करके मैच को रोमांचक बना दिया। इस मैच में कोलकाता ने जीत हासिल कर ली है और उसने अपने आईपीएल 2022 की शुरुआत जीत के साथ की है। आपको बता दें कि टीम 2021 में सीएसके से फाइनल मुकाबला हार गई थी और अब जीत के साथ टीम ने अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।